गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टडी न्यू चैप्टर एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। लिविंग थिंग्स डू नॉट लीव फॉर एवर। लिविंग थिंग्स हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं, नहीं रहते हैं। दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। वो एक निश्चित जीवन काल पूरा करके मर जाते हैं। For life to go on, living things must produce more of their own kind. Life इस तरह से चलती रहे, उनकी प्रजाति जो है आगे बढ़ती रहे, इसके लिए living things, इसके लिए living things को जरूरी है कि वो अपने ही तरह के जीव पैदा करें। The process by which living beings produce more of their own kinds is called reproduction. वह process जिसके अंतर्गत living things अपने ही तरह से अपने ही प्रजाति के जीव पैदा करने की एक capacity रखते हैं, इसको कहते हैं reproduction. Animals reproduce in two different ways. जानवर दो विभिन्न तरीके से अपनी प्रजाति को reproduce करते हैं। Some give birth to young ones, कुछ बच्चे पैदा करते हैं, whereas some lay eggs, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। Later young ones hatching out from these eggs, इन अंडों को एक बार सेने के बाद देने के बाद में वो क्या करते हैं, सेने के बाद में जो जानवर अंडे देते हैं वो इन अंडों को सेने के बाद में बच्चे क्रिएट करते हैं। ह्यूमंस कैट्स एंड काउज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लेकिन मनुष्य हो गए, बिल्लियां हो गई, गायें हो गए, ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चे जन्म देते हैं। फ्रॉग्स हेंस एंड स्नेक्स दे लेव एग्स आउट ऑफ विच बेबीज हैच। मेंढक हो, मुर्गियां हो, सांप हो, ये सब क्या करते हैं कि अंडे देते हैं, ठीक है। और जब इन अंडों को से लेते हैं तो इन सेने के बाद में एक कंप्लीट लिविंग थिंग बिल्कुल उन्हीं के जैसा इन अंडों से बाहर निकलता है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे एज यू आर लुकिंग इन दिस पिक्चर्स, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस फॉर लाइफ टू गो ऑन। हियर यू आर सीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हेंस, कंगारू, cats, okay? These are some animals which always give birth to their young ones. Mammals, animals which give birth to young ones, वो जानवर जो अपने बच्चों को जन्म दे and feed them on their milk, और जिनको अपने दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, mammals कहलाते हैं। आपने देखा होगा mammals के त्वचा पर बहुत सारे बाल होते हैं। दे हैव मैनी हेयर्स ऑन देयर बॉडी एलॉन्ग विथ दे हैव मेमरी ग्लैंड थ्रू विच दे फीड देम देयर ऑफस्प्रिंग ऑन देयर मिल्क। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स। ये सारे जानवरों से सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्राणी होते हैं मैमल्स। देयर बॉडी आर कवर्ड विथ हेयर। इनकी बॉडी, इनका शरीर बाल से ढका होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, गोट्स, रैबिट्स एंड रैट्स। दीज ऑल आर मैमल्स। ये सब क्या है, मैमल्स। इनके बॉडी पे देखोगे तो आपको बाल दिखाई देगा, त्वचा पर बाल दिखाई देगा। इनके मेमरी ग्लैंड होगी। माँ जो होती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ह्यूमंस टू आर मैमल्स। और मनुष्य तो बहुत ही मैमल्स है। The smallest living mammals is the kitties, hawks, nosebag. This is about 1 inch long and weigh about 2 grams. Do bats fly like birds? They are mammals too. सबसे छोटा जो living mammal है, kitties, hawk, nosed bat, bat चमगादड़ होता है, जो 1 inch लंबा होता है और 2 ग्राम लगभग इसका वेट होता है,
बैट्स, आप बैट्स जिसको चमगादड़ कहते हैं, आपने देखा होगा ऑफकोर्स ये पक्षी की तरह उड़ता है, लेकिन ये मैमल होता है, ये पक्षी ना होकर के क्या होता है, मैमल होता है, यानी हमारी प्रजाति का होता है, क्योंकि ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे पैदा करता है। डू यू नो दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स इवन दो दे लुक लाइक फिश, क्या आप जानते हो व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों ही मछलियों की तरह दिखते हैं एंड हैव हेयरलेस बॉडी, और इनकी बॉडी पर कोई हेयर नहीं होता, आर मैमल्स, क्या ये मैमल्स होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये मैमल्स ग्रुप में ही रखे गए हैं क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे ये सांस लेते हैं वो होता है लंग्स। एज यू नो मैमल्स आल्सो रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो किससे रेस्पायर करते हैं, किससे सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, अपने लंग्स से सांस लेते हैं, ऐसे ही व्हेल्स अपने फेफड़ों से सांस लेती हैं।